हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीतल सुरेजा स्वेज किचन। कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब बहुत 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 बढ़िया से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया से हूँ। आप सभी से मैं बहुत सारी बातें भी करना चाहती हूँ, पर क्या करे, टाइम नहीं मिलता है ना। किसको, आपको या मुझे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जल्दी ही आपके साथ बात करने आऊंगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई कोकोनट बर्फी। काफी मजेदार बनती है और स्वादिष्ट लगती है। आहा, क्या मजा आता है खाने में। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए हम भी बनाना शुरू करते हैं ड्राई कोकोनट बर्फी। और कोकोनट पाउडर लिया है इस तरह से, तो हम थोड़ा सा इससे भून लेंगे, एक मिनट के लिए भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनेंगे। मैंने पैन को पहले से ही गर्म करने के लिए रख लिया था। ये बर्फी बहुत ही मजेदार बनती है खाने में और कम सामान में बहुत बढ़िया से टेस्टी कोकोनट बर्फी एकदम बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। इसको बस ऐसे ही है चलाते रहना है। ये ध्यान रखना है आपको, है ना, पूरा मीडियम आंच पे इस तरह से। एक मिनट हो गया है, इसको मैंने बढ़िया से भून लिया है। इसको मैंने 150 ग्राम कोकोनट ड्राई पाउडर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 200 ग्राम कंडेंस मिल्क। मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, आप चाहो तो एक्स्ट्रा चीनी डाल सकते हो। इसको एकदम मीडियम आंच पे ही हमें इसको इस तरह से हिलाते रहना है। तेज आंच बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपकी बर्फी जल सकती है। क्या खुशबू आ रही है, हमें इस तरह से एकदम मिक्स करते रहना है। मैं फिर से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप इसको एकदम धीमी आंच में करिएगा या मीडियम आंच पे, पर फुल आंच बिल्कुल मत करिएगा। तेज आंच से है ना ये बर्फी आपकी जल सकती है। मैंने चीनी नहीं डाला है क्योंकि मैंने कंडेंस मिल्क डाला है। और मैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो थोड़ा सा चीनी ऐड कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से कंडेंस मिल्क वैसे भी स्वीट होता है ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए हमारा ये हो गया, देखो बिल्कुल आसानी से बन गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, गैस पहले मैंने बंद कर दूंगी और फिर मैंने ये प्लेट लिया है, इसके अंदर मैंने घी लगा दिया है, तो अभी ये इसमें थाली के अंदर डाल दूंगी ये सारा। ये देखिए मैंने इस तरह से सेट कर लिया है, तो अब मैं इसके ऊपर पिस्ता डाल देती हूँ। पिस्ता आप स्किप भी कर सकते हो। और पिस्ता करने के बाद आपको इस तरह से प्रेस करना है। मैं इसको आधा घंटा के लिए इस तरह से सेट होने दूंगी, फिर इसके बाद मैं इसके पीस करूंगी। अब मैं है ना हल्का सा ठंडा हो गया है तो मैं इसके पीस कर लेती हूँ। मैंने इस तरह से पीस कर लिया है और थोड़ी देर तक मैं इसको सेट होने देती हूँ। हमारी कोकोनट बर्फी खाने के लिए रेडी है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए